माँ गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाचौरी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौधरी आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज हाजिर हूँ देखिए आपसे फिर विशेष चर्चा करने के लिए। आज मैं चर्चा का विषय बताऊं आपको, उससे पहले निवेदन करूं कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो मित्रों जाते जाते कमेंट में महा गणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। और आप मेरा ये कार्यक्रम चंद्र राशि से, लग्न राशि से, नाम राशि से कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्य फल तभी पता लगेगा जब अपनी अपनी जन्म कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिष से दिखाएंगे। आप ऐसे ही कमेंट मत पास कीजिए कि साहब सब गलत है कुछ नहीं है। जब तक आपका भविष्य फल सटीक तभी मिलेगा जब अपनी कुंडली को भी देखिए ना, वहां ग्रहों का क्या हालचाल है, ऐसे ही आप कमेंट मत दीजिए। तो देखिए मेरा थंबनेल में मैंने लिखा है कि अगस्त 2023 के लिए मैं राशिफल दे रहा हूँ मेष से लेकर मीन तक। तो अभी मैं वृष राशि के लिए आ गया, नंबर दो की राशि वृष राशि। देखिए इसके लिए क्या ग्रह गोचर लग्न के जो है स्वामी शुक्र, देखिए तीसरे भाव में कर्क राशि में आएंगे 7 तारीख यहाँ बैठे। अभी तो शुक्र जो है चौथे भाव में है, सिंह राशि में है, यहाँ से 7 तारीख को यहाँ जाएंगे। और देखिए धन के स्वामी बुध जो है यहाँ पर सुख भाव में बैठे हुए, तो बुध तो बहुत बढ़िया सुख भाव में यहाँ पर। और बुध का देखिए बुध का शुक्र का 1 अगस्त से 7 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण बहुत जबरदस्त योग बन रहा है चौथे सुख भाव में। तो सुख भाव में लक्ष्मी नारायण योग यानी बुध जो है विष्णु भगवान को करते हैं प्रतिनिधित्व और लक्ष्मी माता का शुक्र वीनस, तो लक्ष्मी नारायण योग से यहाँ पर सुख साधनों की वृद्धि, जो कुछ चाहोगे सब मिलेगा, सारे सुख साधन मिलेंगे, माता को सुख मिलेगा, माता का भाव है वृषभ राशि वालों के लिए। और देखिए शुक्र 7 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और सूर्य भी आओगे उसमें, तो सूर्य का शुक्र का तीसरे भाव में बड़ा पराक्रमी यानी शरीर जो है सूर्य की कृपा से जातक का शरीर बड़ा कांतिमान, बड़ा हिष्ट पुष्ट, बहुत कर्मशील कर्म करेगा, शनि को प्रसन्नता मिलेगी। जो आदमी जितना ज्यादा कर्म करता है शनि उतना ही ज्यादा खुश होते हैं और लाभ मिलता है। तो यहाँ से यात्राएं भी होगी और लाभ मिलेगा, परिश्रम करेंगे लाभ मिलेगा, शनि की कृपा होगी। और 17 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे चौथे भाव में जहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, तो 17-18 को मंगल का सूर्य का बहुत जबरदस्त योग यानी राजा का और सेनापति का। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो राजा और सेनापति दोनों सुख भाव में बैठ करके वृष राशि वालों को सुख लुटाएंगे। सुख लुटाने का मतलब क्या है भाई, सुख लुटाने का मतलब सारे सुख साधनों का देंगे। और देखिए यहाँ से दृष्टि पड़ेगी उनकी 10वें भाव पे, तो कर्म स्थान पर यानी काम के अंदर जो भी काम कर रहा है तरक्की प्रमोशन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सूर्य है बुध है शुक्र है मंगल है। जब सूर्य आए तो शुक्र यहाँ आ जाएंगे खैर, और एक दिन बाद ही मंगल जो यहाँ आ जाएंगे 5वें भाव में। पहले मंगल भी यहाँ सुख साधना में, भूमि पुत्र मंगल अपने भाव में यानी भूमि पुत्र मंगल का ये भाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बंगला गाड़ी सब देखा जाता है सुख साधन। कर्म स्थान को देख रहे हैं शनि यहाँ बैठे हुए, शनि की राशि है उच्च की राशि है कुंभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों को कर्म स्थान में भी अपार सफलता मिलेगी। जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, सरकारी काम में तरक्की मिलेगी। शनि बैठे हुए सरकारी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। देखिए मंगल जो है 18 तारीख को आ जाएंगे 57वें भाव में, तो मंगल यहाँ आकर के फिर देखिए यहाँ जब मंगल है तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से अपनी राशि को देख रहे हैं वृश्चिक राशि को, तो थोड़ा सा मांगलिक दोष तो है ही है, और मांगलिक दोष आंशिक मांगलिक दोष कही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, तो पति पत्नी जीवन साथी के बीच में अच्छे संबंध में थोड़ी तल्खी आ सकती है। वाणी को आप जो अच्छा रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, मीठा बोलेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा।
और मीठा नहीं बोलेंगे तो थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है पति पत्नी के बीच में, और पार्टनर्स का पूरा सहयोग मिल जाएगा। मंगल की दृष्टि है, पार्टनर अच्छा सहयोग देंगे, पार्टनर ऐसा बिजनेस जिसमें पार्टनर्स आपके साथ हैं तो बहुत तरक्की मिलेगी व्यापार में। और देखिए मंगल यहाँ जब आ जाएंगे तब तो फिर संतान को भी सुख मिलेगा, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर तो लाभ ही लाभ है। बृहस्पति की राशि, बृहस्पति देखिए जबरदस्त, बृहस्पति खर्चे के वहाँ बैठे हुए, खर्चा तो कराएंगे बृहस्पति, बाहर में भाव खर्चे का होता है, बाहर जाएंगे बाहर से खर्चा होगा, बीमारियों से खर्चा हो सकता है। और यहाँ से दृष्टि देखिए पड़ रही है यहाँ पर छठा भाव बारह भाव, तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का केस में भी खर्चा हो सकता है, बीमारी में खर्चा हो सकता है, उधर विकार, थोड़ा सा दिमाग सर में दर्द, ये सब छोटी मोटी बीमारियां भी आ सकती हैं। और यहाँ लाभ भाव में बृहस्पति की राशि है, हालांकि बृहस्पति बैठे यहाँ पर है धन के खर्चे के भाव में, लेकिन लाभ भाव में बृहस्पति की राशि है, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बृहस्पति की दूसरी राशि धनुराशि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में भी देखिए चोट चपेट लग सकती है, खर्चा भी होगा, ये खर्चा होगा, बीमारी में खर्चा होगा, चोट चपेट में खर्चा, छोटी मोटी टेम्परेरी बीमारी हो सकती है और पुरानी बीमारी भी। तो वृषभ राशि वालों ये तो सही है, चौथे भाव में गए हैं अच्छे हैं, पांचवें मंगल आ गए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर भी बृहस्पति की खराब पोजीशन से ये राशि भी थोड़ा सा तो कष्ट दे रही है आपको, बीमारी में भी कष्ट मिल रहा है। और देखिए स्टार्टिंग में तो लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है वो तो आपको यहाँ से लाभ देगा, यहाँ से फायदा देगा। तो आपका देखिए वृष राशि वालों का ये मिला जुला असर रहा, यानी लाभ भी आएगा, पैसा भी आएगा, खर्चा भी होगा, बीमारी में खर्चा होगा। तो ये देखिए इस माह आपका देखिए चुनौती भरा रहेगा, मानसिक दबाव रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी, अंदर मन में द्वंद चलता रहेगा, निरंतर एक्टिव रहे और आगे बढ़ते रहे। प्रेम संबंधों में देखिए 18 तारीख के बाद मंगल यहाँ आगे तो थोड़ी खटास आ सकती है, मंगल की वजह से वाणी में थोड़ी ऐसा आ जाएगा कि प्रेमी भी आपको खराब कटु बोल देगा, आप भी कटु बोल देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास जन्म ले सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा प्रेम प्रसंग में। और शनि देखिए 10th में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं और 7 अगस्त तक शुक्र भी यहाँ बैठकर के इस भाव को देख रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, और सूर्य भी 17 अगस्त से यहाँ जाएंगे और मंगल 18 अगस्त चले जाएंगे। तो चौथे भाव से 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी और 17 अगस्त के बाद देखिए सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदित्य राजयोग बनेगा और 17 से पहले मंगल बुद्ध का बहुत अच्छा राजा का सेनापति का योग बन रहा है लाभकारी। तो देखिए स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखना पड़ेगा कि शुक्र जो है 3rd भाव में आ गए और शुक्र जो है के स्वामी है 6th भाव के, तो शारीरिक कष्ट तो मिलेगा मित्रों, इसलिए स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहिए, खान पीन को अच्छा रखिए। स्वास्थ्य की परेशानियां तभी आती हैं जब आप तो खाने पर कंट्रोल में रखें, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। देखिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तब तो फिर देखिए शेयर मार्केट से भी आपको सोच समझ के पैसा लगाना होगा, क्यों बृहस्पति की राशि, बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति की राशि है तो हानिकारक है शेयर मार्केट से भी पैसा लगाना, क्योंकि बृहस्पति की 12th में बैठना खर्चे खर्चा है, पैसा डूब जाएगा यहाँ से और यहाँ बीमारी में खर्चा होगा, और लाभ में भी बृहस्पति की राशि है पर खर्चे में भी बृहस्पति है, तो बराबर लाभ पैसा आएगा खर्चा होगा, पैसा आएगा खर्चा होगा, कोई मतलब बैलेंस नहीं बढ़ेगा भैया। तो वृषभ राशि वालों माता लक्ष्मी की पूजा करो, माता दुर्गा की पूजा करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। आपकी राशि देखिए शुक्र की राशि है तो शुक्र के थोड़े से उपाय कर लीजिए, यानी दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए शुक्रवार को, माता लक्ष्मी का पूजा कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए, आपको लाभ मिलेगा मित्रों। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए नमस्कार।